नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस थाने में युवक की मौत, कराई जाएगी CID जांच। खेत में झोपड़ी पर गिरी गाज, 24 घंटे में मिले 4 पॉजिटिव। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पुलिस थाने में युवक की मौत, कराई जाएगी CID जांच। रेलवे थाना क्षेत्र के दारवा निवासी शेख इरफान शेख शब्बीर से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मृतक के छोटे भाई शेख जाबिर शेख शब्बीर ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा कि मृतक अपने 3 दोस्तों के साथ काम के लिए निकला था, किंतु पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी। इसके पहले लाठी डंडे और बुक्के से पिटाई की। उसके 2 दोस्त आमिर खान, समीर खान और गोलू शाह मारपीट में घायल हो गए। मृतक शेख इरफान शेख शब्बीर के छोटे भाई शेख जाबिर शेख शब्बीर ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गुस्साई भीड़ ने थाने पर पथराव किया, जिससे 3 पुलिस कर्मी घायल हो गए। दारवा में तनावपूर्ण शांति है, शहर ने पुलिस कड़ बंदोबस्त है। द्वारका में बुधवार को सुबह से सैकड़ों पुलिस तैनात किए गए है। सुबह 9:30 के दौरान सैकड़ों पुलिस शहर में गश्त पर थे। अमरावती के पुलिस उपमहानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना और यवतमाल जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल द्वारवा में डेरा जमाए हैं। घटना के बारे में पूछने पर अमरावती के पुलिस उपमहानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने कहा कि जांच CID के पास जाएगी, आरोपियों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, पथराव की घटना में शामिल लोगों का पता लगाया जाएगा। दूसरी खबर, खेत में झोपड़ी पर गिरी गाज। शिरपुर थाना अंतर्गत वनी तहसील के वरझड़ी के एक किसान के खेत में स्थित झोपड़ी पर गाज गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। दुर्भाग्यपूर्वक यह घटना बुधवार दोपहर करीब 3:30 के दौरान घटित हुई। मृतक का नाम शंकर गणपत लोनबले है। वरझड़ी निवासी शंकर गणपत लोनबले का वरझड़ी में खेत है। बुधवार की सुबह वह खेत में खेती करने गया था। क्षेत्र में दोपहर अचानक जोरदार तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश हुई। खेत में काम कर रहे शंकर लोनबले सुचिता मारुति काले और पिघला लोनबले अचानक बारिश शुरू होने की वजह से इससे बचने के लिए उन्होंने खेत में तैयार की गई झोपड़ी में गए। तेज बारिश के साथ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ झोपड़ी पर ही बिजली गिर गई। इसमें शंकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ के 2 घायल हो गए। तीसरी खबर, 24 घंटे में मिले 4 पॉजिटिव। गत 24 घंटों में यवतमाल जिले में सिर्फ 4 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 5 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली रिपोर्ट के अनुसार कुल 677 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 4 मरीज नए से पॉजिटिव मिले हैं और 673 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। वर्तमान में जिले में 26 मरीज एक्टिव पॉजिटिव है। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 72,753 है। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 70,941 हो गई है। जिले में कोरोना से अब तक कुल 1,786 बाधितों की मौत हो गई है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।